या फिर रहने ने मेरे थोड़े थोड़े क्लिप कट के लाने ने सोने सोने करके तो आप मोटिवेशन स्पीकर देंदा वो उन्होंने मैसेज दिते ने कि असं अपनी महंगाई किस तरह कंट्रोल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का? ठीक हो माशाल्लाह। 14 अगस्त है सारे दोस्तों, 14 अगस्त बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो मैं और अजी साहब 14 अगस्त मना रहे हैं। असं अजी साहब किस तरह मना रहे हैं? असं डंगर ना मझा खोलिया ने नालो सड़िया अगे तो शायद नजर आ रही हो बकरिया ने वो खोलिया ने नाल उस साइड से वह गाए तो यह साड़ी 14 अगस्त असं मना रहे हैं। देख लो जी माशाल्लाह सीधे आपके बह गए हैं मझा उधर मुड़िया ने। फसलकार साहब ने बहुत अच्छे तरीके मेहरदादी आख्या है। तो अफ जी देखने वाले कोई अच्छी जी ऐसी गलबात सुनाओ जिद कोई यानी कि ना असल होम वाली गल हो। सरकार गल इस तरह के साडा जरा पिंडदारी नाम है निजाम बहुत अच्छा है। ये असी राती बिजली ना आवे तो भी टेंशन कोई नहीं होंगी क्योंकि हवा के असी आराम सुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। चौं पास आबे हवा एक ताज़ा आबे हवा होंगी। शहरदारी नालों असी काफ़ी दर्जा बेहतर है। अलहमदुल्ला साडा जिहड़ा इलाका है वो काफ़ी इलाके नाल बेहतर है क्योंकि इत्थे बारिश 10 दिन बारिश लगी रहे महीना बारिश लगी रहे एक दिन धुप चढ़े तो अलहमदुल्ला बिल्कुल खुशगवार हो जाए। बाद देखा जा के उत्थे सा पंजाब दे विच के एक दिन दो दिन बारिश लैंदी है तो महीना महीना उत्थे चिक्कड़ ही नहीं खत्म होंदा है। बड़ी जलालत खुआरी बड़ी टेंशन बनती है बंदे नूं लेकिन सानू अलहमदुल्ला इतनी क सुकून है कि दिल करदा कि असी इस अपने इलाके च रहिए। सिर्फ साडी मजबूरी क्योंकि मजदूरदार बंदा जिहड़ा वो किरे ना किरे अपना जिहड़ा मजदूरी वास्ते लाजमी बाहर जाना पैंदा। बाकी और किसी किस्म की टेंशन नहीं साढ़े इस इलाके में। तो बाबा पहलवान जिदा के ना तो साढ़े पिंड का ना है ना तो जिस तरह हूँ बारिशा लगियां ने बड़े अरसे बाद सैलाब आया इस तरह ना वो बाबा साढ़ा भी उधर ने किरे मैदानी इलाके लाया यानी कि खैर साडा मैदानी भी है। साढ़े 4 किस्म की जमीन है खासकर साढ़े पिंड की 4 किस्म की जमीन है साडा अपना रकबा जरा तो के उन्होंने पानी आ गया सैलाब आ जाना डंगर बनने की थान को ना होनी अपने उठन बहन की कच्चे मकान होने तो बाबे ने फिर 12 साल पाकिस्तान जिथे जिथे वह टुर सकता बड़े सगीर के टुरया फिरया आ जाके बाबे ने फिर यह थान पसंद की सिलेक्ट की कि बाबे ने आख्या गया ऐसी थान है कि इतने जे महीना भी झड़ी लगी रहे झड़ी यानी कि बारिश महीना भी लगातार बारिश लगी रहे जी आस्ता आस्ता लगती है तो ताही सानू मुश्किल नहीं पैदा होती। तो हाफिज़ होर इस गल कोट किया कि बाकी यह गल सच्ची है जितनी दिल बारिश हो देख सकते हो यह टिब्बे ने साडे पिंड दे अगर उस साइड से चले जाने उधर मैदान जितना अपना पैर जरा कुट के चलेगा इतने निजाम से बाकी बंदा आखना भी अगला निजाम नहीं रहा अगले नजारे नहीं अगर बंदा 10 दिहाड़े महीना वेला बैठा रहे कोई नहीं टेंशन है जला चलो 2-4 हज़ार 5 हज़ार अगर चलो राशन पानी आ जाता है हूँ भाई जी डेली 10,000 रुपया खर्चा पा लिया जितने 2-4 जी खाना उस बंदा की करे जे दिहाड़ी ना लाए अज वक्त नहीं चलता अफज जी कोई जाते दौर जितना मुश्किल वक्त आ गया है तो ये यानी कि कोई नौजवानों ने ऐसा मैसेज दो जरा उन्होंने कोई फायदेमंद हो गया उन्होंने वास्ते। देखो जी भाई नौजवान भाइयों वास्ते यही मैसेज है साड़ी तरफों एक गरीब आदमी की तरफों के सब तो पहले तो अपने माँ बाप की खिदमत करो उस तो बाद अपनी फजूल खर्ची घटाओ बिल्कुल जितनी घट सकती उतनी घटाओ। नंबर 3 अपनी मजदूरी करो पैसा जितना बचाउन दा उतना बचाओगे तो तुहाडा अगू निज़ाम जिहड़ा सैट रहेगा। जे अज कोई बंदा जिहड़ा फजूल खर्ची तो भी नहीं बाज आउंदा फजूल खर्ची पिया करदा सारा अगू आने वाले वक्त वास्ते बहुत मुश्किल हो जाए खासकर जिहड़ा
मजदूरदार तबका जिहड़ा नौजवान जिहड़े अजकल मोबाइलों से बैठे रहिंदे ने राती सारी सुबह सोना बिल्कुल अफसर ओ सुबह उठते ने तकरीबन 9-10 बजे उठते ने फिर जो जी मैं रोटी दियो जी ओ देखो जी साड़िया मावा पैना ओ रोटी पका के देन दियां उस तो बाद फिर जाके फिर उठ के हाथ मुँह धोना फिर बह रहना फिर चाहे तो गर्मी हो गई फिर अंदर वड़ के मोबाइल से बिल्कुल जिस तरह आप फजर गल की है ना कि जड़ा असी यानी कि सॉरी अफसर की गल कटन गई है कि जी असी नाश्ता करने ना बंदा सिर्फ नाश्ते से गौर कर लेना कि नाश्ते में असी क्या कोई खाधा है और है कितना एक्सपेंसिव है यानी कि कितने पैसों का कितना महंगा खाना असं खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं तो सानू भी यानी कि बहुत ज़्यादा सहन वास्ते मिल सकता है कि असी आया कि असी दिन इस नाश्ते से पैसे कमाए ने या नहीं कमाए अगर नहीं कमाए तो असी किसी अच्छे तरीके दे नाल ईमानदारी दे नाल किस तरह कमा सकने हैं जी अफसर जी वो इस तरह होंगे कि अगों 12 बजे 10-11 बजे उठते ने उठ के नाश्ता करते ने फिर चाहे अंदर मोबाइल लैके बह जा फिर जिस वेला दिल करना उस वेला सो जाना नहीं तो उठ के पिछले टाइम फिर घूम फिर निकल जाना है चलो ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है जिस वेले नौजवान आदमी बच्चे होंगे ने दिल करता बाहर घूमना फिरना लेकिन बेफजूल घूमना फिरना भी अच्छा नहीं होता इस वजह करके घूमना फिरो भी अपने टाइम नाल एक आज इस माशरे दे विच देखिया मैं कि बच्चे जड़े ने सारी सारी रात बाहर जाके सड़कों ते रोडों ते बैठे रहते हैं ये भी बहुत गलत बात है इधे इस वजह तो कई बच्चे जिंदगी तो अस्त हो पाते इस वजह तो करके मैं मेरी तो यही एक अर्ज है कि मेहरबानी करके शाम तो बाद अपने माँ बाप के कोल माँ बाप ने भी पता वे कि साढ़े बच्चे साढ़े घर ने कल कोई किसी किस्म की शिकायत कोई मुश्किल नहीं बन इस वजह तो करके तो मेहरबानी है कि अपने आप का जोड़ा निजाम सैट रखो जरा कल आने वाले दिन च हर दिन ही मुश्किल आ रही है हर दिन ही महंगाई आ रही है इस वजह तो करके जितना बंदा अपना आप नू क्लोज रखेगा इतना ठीक रहेगा ते माशाल्लाह फजर गल बहुत अच्छी अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड कराई है ते वो भी मैं अपलोड करना है ते गर्मी ने इंतहा है तुसी देख सकते हो ते अफजर यार ने मेरे थोड़े थोड़े क्लिप कट के लाने ने सोने सोने करके अफजर आदि गल्लां बड़ियां कम दियां ने ते तुसी सुनियो उन्हां गल्लां गल्लां विच बहुत वड्डे मैसेज दिते ने और जो मोटिवेशन स्पीकर देंदा है वो उन्होंने मैसेज दिते ने कि असीं अपनी महंगाई नूं किस तरह कंट्रोल कर सकदे हां ते सानूं फजूल खर्ची तों किस तरह बचना चाहिए जितना असीं फजूल खर्ची तों बचांदे महंगाई नूं कंट्रोल करांदे उतने असीं मजबूत होवांदे।